मौसम विभाग ने मंगलवार को सिर्फ केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भारी बारिश हो सकती है। मेघालय में साउथ गारो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 48 घंटे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 7 लोग एक ही परिवार के थे। गसुआपारा इलाके में भी लैंडस्लाइड हुई। 2 दिन से इन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून की वापसी होने की संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी से एक्टिव हुआ लो प्रेशर एरिया कमजोर होने के कारण ऐसा होगा। इधर मानसून के जाते ही दिल्ली में दिन का पारा चढ़ने लगा है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.25 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 34 जिलों से मानसून लौट चुका है। जबलपुर समेत बाकी के 21 जिलों में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मानसून की विदाई रोक दी है। इसकी वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश भी हो रही है, जबकि पश्चिमी हिस्से में तेज धूप निकली है।